वेलकम हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? देखे सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल कैरियर से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइव ब्लॉग चैनल। सो जनाब, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही मैं जाना अपनी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स के नेम्स ले लूँ, ठीक है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा बोला गया, वो कल उनका मैं कमेंट रीड करी, फिर मुझे अच्छे से याद हो गया उनका नाम। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके बेटे का नाम है बिलाल अहमद। सो जी, आपका नाम मैंने ले लिया है, मुझे ना भूल जाता है, मैं सच में बार बार रिपीट करती हूँ लेकिन फिर भी भूल जाता है। जब व्लॉग बनाने लगती हूँ तो फिर सारे नेम्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं माइंड से। सो मुतहार हैं, ठीक है, और उसके अलावा सयाम आरपी, इस तरह करके कुछ नाम है उनका। वो उनको मुझे उनका नेम लेना था, और उसके अलावा हीरा स्पेशली, ठीक है, ये सभी के नाम जो है लेने थे। अब ऐसा मुझे याद होंगे ना, जैसे जैसे फिर मैं लेती जाऊंगी। अब मैं लिखने लुकने वाला सिस्टम नहीं करती, ठीक है, तो इसलिए जो है ना फिर नाम जो स्किप हो जाते हैं। सो जनाब, ये देखें, मम्मा जो है ना आ गई थी छत पे, मम्मा को पता होता है कि इसने तो उठना नहीं, मैं ही जाकर जो है ना काम कर लूँ थोड़ा सा। और सच में मुझे अब शेप्स मेकिंग जो है ना मुझसे नहीं होती, पता नहीं क्यों। तो ये कल से ही जो है ना वो टेक्सचर्स बिखरे हुए थे, तो अभी मम्मा छत पर आई हैं, देखा तो शेप्स बनाने की आवाज़ आई, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। धूप में बैठी थी, मेरा अपना गला बंद हो रहा है बार बार, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मा जो है अभी शेप्स मेकिंग कर रही हैं। ये देखें, ये सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये चारकोल टेक्सचर है, ठीक है, ग्रिटी चारकोल। और प्योर चारकोल दोनों ही मिक्स कर दिए मम्मा ने। खैर है, मैं खुद चाह रही थी कि इनको मिक्स कर दूं, ठीक है, उसके बाद फिर जब हम रीन्यू करेंगे ना फिर इनको हम सेपरेट कर लेंगे। अभी रीन्यू का कोई चक्कर नहीं है, अभी जो है ना वो हिसाब किताब नहीं लग रहा है रीन्यू करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता भी कर लेंगे, रीन्यू भी कर लेंगे। बस दुआ किया करें वीडियो टाइम से बन जाया करें, वीडियो टाइम से आप लोगों को मिल जाया करें। बाकी छत के खिलाड़े ना बहुत मुश्किल है समेटना, सीरियसली। अभी बस जो है ना हम छत को जो है ना वो करेंगे नीट एंड क्लीन, ठीक है। अभी मैं क्या करने लगी हूँ मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मैं लगाती हूँ मोबाइल को ट्राईपॉड पे, और यहाँ से ना थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। अभी कपड़े डाले हुए हैं तो फिर करना है। अच्छा चलो ठीक है, तो हम क्रमलिंग कर लेते हैं फिर, ठीक है, ताकि हम क्रमलिंग करके व्लॉग को एक एंड कर लें, फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम जो है ना वो क्लीनिंग कर लें। हाँ, अभी कपड़े हैं तो मम्मा की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, सारी डस्ट पड़ जाएगी उन पर। ये टेक्सचर किस किस का फेवरेट है? ये मम्मा का बड़ा फेवरेट है, मम्मा लाजमी इसको क्रम्बल करती हैं। आज क्या दिन है? आज जुम्मे? सच में? ओ, इतनी जल्दी दिन गुजर के यार, पता ही नहीं चला। इसको मैंने साइड पे कर दूं। चलो आज जुम्मा मुबारक सबको जनाब, जो जो भी मुझे देख रहा है मेरी तरफ से। ये रह गया था, इसको जुम्मा मुबारक कहना रह गया, तब ये आ गए। क्ले पॉट की सूरत हाल चेक करें आप लोग, जैसे इसको मलेरिया हुआ हो। हाँ, जम जाते हैं।
अब तो कोई टेक्सचर भी नहीं नजर आ रहा जिसकी क्रम्बलिंग करूं मैं। अच्छा किसी ने कहा आपके पास ज्यादा ग्रीटी है, आप प्योर भी करें। ये प्योर ही है ये वाली ना, ये जो सैंड है सारी प्योर है। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से शिफ्ट किया था। अच्छा मैं ना एक कमेंट रीड कर रही थी, वो पूछ रही थी, वो कहती कि मैं ना आयशा मैं आपके पुराने ब्लॉग्स देख रही थी तो आप कह रही थी आपके साथ कुछ भी हॉरर नहीं हुआ तो लेकिन आप ऐसा कुछ बताएं जिस पे सब डर गए। मामा सब डर गए। हाँ बताओ। बताती हूँ। एक दफ़ा ये हुआ था कि छत पे ना हम सब लेटे हुए थे क्योंकि गर्मियाँ थी, मौसम बड़ा मतलब कि जब छोटे छोटे थे ना हम लोग सब ऐसे सोए तो मरियम जो है ना अचानक से ना कहीं मम्मा को देख के ना डर गई। लाइक सारे तो सोए थे, मरियम को लगा शायद मम्मा जो है ना वो बोल रही है या कुछ कह रही है तो ना मरियम ना मम्मा को ना देख के डर गई। मम्मा ने एकदम से कहा हाँ क्या हुआ, तो मरियम ना चीखने लग गई। एकदम से मरियम चीखने लगी और हम भी सारे सोए थे। मरियम जैसे ही चीखी तो साथ ही क्या उसको कहते हैं मेरी मम्मा भी एकदम से डर के चीखने लगी कि इसको क्या हो गया है। उसके साथ ही हमारी साथ वाली चारपाई पे ना वारिस और हारिस के साथ जो है ना मेरा बड़ा भाई लेटा हुआ था तो वो हमें चुप कराने की बजाय वो भी चीखने लग गया। वो नींद में था एक्चुअली तो वो भी चीखने लग गया एकदम से और मैं अपनी जगह चीखने लग गई। इट्स मीन कि हम सब ऊंची ऊंची रात का टाइम और सारे चीख रहे और ना एकदम से ना मेरे पापा उठ के कहते क्यों हो गया चुप करो, फिर हम सारे ना चुप कर गए सोए हुए थे लाइक नींद में थे और इस तरह से हमारे साथ ये जो है ना ट्रेजेडी हुई थी। और मेरे ना चाचू नीचे से आए और आके ना बड़े परेशान होकर कहते क्या हुआ, हमने कहा कुछ नहीं वो बिल्ली आ गई थी। ये वाली जो है ना बस हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके अलावा कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि सारे डर जाएं या किसी भी कुछ भी ऐसा हो गया हम डर जाएं या फिर ये पीछे जो है ना ये कुछ मतलब कि एक माह पहले जब मौसम एकदम से सर्दियों वाला हुआ था तो एकदम से इतनी कोई गंदी आवाज़ आई थी ना ये इसकी बिजली की आवाज़ आई थी, मौसम बड़ा ख़राब था तो एकदम से बिजली की आवाज़ ऐसे ही आई और मुझे लगा ऐसे जैसे कि हमारी छत पे कुछ आकर गिर गया। तो उससे जो है ना हम सभी डर गए थे ना, रात का टाइम था तो जो जो अपनी अपनी जगह पे लेटा हुआ था वो सारे सपोर्ट के कह रहे थे हम डर गए कि इतना मतलब कि वो खौफनाक आवाज़ थी। तो अल्लाह रहम करे वो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है हमें लगा शायद इधर भी वही कुछ होने लग गया, तो पर ये था कि वो बिजली थी अल्लाह ताला ने बचा लिया। और कोई ऐसा जो है ना वो कभी शुगर मेला हुआ ही नहीं हमारे साथ कि हम डर जाएं या कुछ इस तरह से, नहीं इवन के कोई प्रैंक भी करे तो कोई नहीं डरता, ये वाला हिसाब है कभी नहीं हुआ। ये देखिए इसके साथ खेलते खेलते मैं आधी गपशप जो है ना वो पूरी कर ली अपनी। इसको पीछे करूँ, ब्रश भी है ना नहीं मिल रहा मुझे और वैसे भी मम्मा ने मना किया है कभी नहीं करना कुछ, आपकी अम्मी ने मना किया है। सर्दियों में टेक्सचर हार्ड हो जाता है एकदम, हमारे हाथ जम जाते हैं, उससे जो है ना हम हार्ड टेक्सचर को नहीं क्रम्बल कर पाते। मेरे लिए जो बेस्ट वेदर है ना वो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों का जून जुलाई अगस्त, ठीक है ये दिन कमाल के हैं, लेकिन इन दिनों में इनका जो कूलर चलता है ना यकीन करें दिल करता है कि बस सर फाड़ लूँ अपना इनका। जो दिन रात कूलर चलता है ना उसकी वजह से, और जब खामोशी होती है तो बड़ा सुकून होता है।
सर्दियों के दिन इतने मज़े के नहीं होते क्योंकि टेक्सचर्स ही नहीं ड्राई होते, बंदा बहुत थकी सी वीडियो बनती है मुश्किल से, नींद भी ख़राब होती है। गर्मियों में तो आप फ्रेश उठते हो ना सुबह सुबह, क्योंकि आप सोते ही नहीं हो गर्मी की वजह से। मैं तो गर्मियों में सारा दिन मींस के सिर्फ और सिर्फ खाने के टाइम नीचे जाना है, और वो भी बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि खाना भी अपनी छत पे ले आती थी, अक्सर ऐसे होता था। तो मैंने मोबाइल एक्सटेंशन लीड लगाई होती थी, सारा दिन सारी रात छत पे रहती होती थी गर्मियों में। तो ये होता था कि साथ साथ कोई ना कोई काम कर लेती थी। और सर्दियों में ये होता है यार, समझ नहीं आ रही होती है कि क्या करें क्या ना करें, दिन इतने छोटे हैं, 4 बजे तो शाम पड़ जाती है, बंदा वीडियो कब बनाए तो शेपे कब बनाए, यही हो सकता है फिर छुट्टी कर ले। बारिश आ जाए अब ये लास्ट है, ठीक है इसको क्रम्बल करते हैं। मेरे पास 2 टेक्सचर्स हैं ग्रीटी जिनकी मैं फुल ड्राई क्रम्बलिंग करूँगी। यार ड्राई क्रम्बलिंग का जो चासा है ना वो आपको पूल क्रम्बलिंग में नहीं मिलती। पूल क्रम्बलिंग में ये होता है कि सत्यानाश वो वाला हिसाब है पूल क्रम्बलिंग में, बहुत बहुत पानी डालो एक टेक्सचर क्रम्बल करो, एक शेप क्रम्बल करो पानी गया, फिर पानी डालो एक शेप क्रम्बल करो पानी गया। ड्राई क्रम्बलिंग में बड़ा मज़ा आता है, ऐसे बाहर बस दवा दफ क्रम्बलिंग करी जाओ। आप लोग बताएं कि अब आप लोगों को मज़ीद जो है वो ड्राई क्रम्बलिंग चाहिए, मैं पेस्ट पोरिंग कर दूंगी ठीक है, अब पूल क्रम्बलिंग नहीं, या फिर एक को हम क्ले पॉट क्रम्बलिंग कर लेंगे, एक को हम पेस्ट पोरिंग वाली ड्राई फ्लोर क्रम्बलिंग कर लेंगे, ठीक है जी। रेटिंग दे दीजिएगा मुझे, बता दीजिएगा। और जनाब ये रिक्वेस्ट है गोल्डन सैंड की कि गोल्डन सैंड को जो है ना वो हमने इसकी कभी वाटर क्रम्बलिंग भी करनी है जनाब, पहले मैं वाटर क्रम्बलिंग करूँगी ताकि मेरे वाटर क्रम्बलिंग लवर्स जो है ना वो अब भाग ही ना जाए कि ये तो सुनती नहीं है हमारी बात, ठीक है। तो और नेक्स्ट टाइम जो है ना फिर हम ड्राई क्रम्बलिंग कर लेंगे, क्योंकि ड्राई तो मैंने बहुत दफ़ा की है बहुत ज़्यादा, और वाटर क्रम्बलिंग मेरे नहीं ख्याल से कि मैंने ज़्यादा की है, मुझे लगता है लास्ट टाइम बस एक दफ़ा की थी, उससे भी पिछली दफ़ा ना एक दफ़ा की थी, बाकी मैंने हमेशा उसको ड्राई ही किया है। तो जो ड्राई पसंद करते हैं आप काइंडली जो है ना फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, और जो वाटर करते हैं वो सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। एंड सुलह काट लेना ना। अच्छा एक इसकी ना क्रम्बलिंग करते हैं वेट टेक्सचर की। आज थोड़ी खामोशी है, शुक्र अल्लाह का, स्कूल से ब्लॉग तो बन जाए ना। चले जनाब करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मम्मा की शेप्स दिखाती जाती हूँ आपको, और अपना जूता भी, और ये देखे ठीक है। सलाह पीस भी मान ला।